सो हेलो क्लास इलेवेंथ, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास इलेवेंथ का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1। उसका इंट्रोडक्शन मैं इससे पहले आपको समझा चुका हूँ, तो वो जाके आप देख सकते हैं, तभी ये ज़्यादा बेटर आपको समझ आएगा। तो देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था सेट्स होने के लिए क्या जरूरी है, कि वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, यानी उसका आंसर ना आपके लिए चेंज हो, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। तो देखते हैं, बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर्स जे। मेरे लिए भी वही, आपके लिए भी वही, किसी और के लिए भी वही, जनवरी जून जुलाई यही रहेगा। तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो सेट्स है। सेकेंड, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द इंडिया। मेरे लिए कोई और टैलेंटेड, आपके लिए कोई और टैलेंटेड, किसी और के लिए कोई और टैलेंटेड, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो सेट नहीं है। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मेरे लिए कोई और अच्छा खेलता, आपके लिए कोई और, किसी और के लिए कोई और। मुझे धोनी पसंद, आपको कोहली, किसी को डिविलियर्स, तो ये हर किसी के लिए अलग होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने लड़के, ये तो आपको पता है। आपकी क्लास में जो लड़के होंगे, मेरे लिए भी सेम, आपके लिए भी सेम, किसी और के लिए भी सेम, आपकी क्लास में तो सेम ही रहेंगे ना, तो एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा, किसी और के लिए भी वही होगा, तो सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 99 तक। द कलेक्शन ऑफ नॉवल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। कोई इंसान काउंटेबल नॉवल्स ही तो लिख पाएगा ना, अनकाउंटेबल्स तो लिख नहीं देगा। मेरे लिए भी वही काउंटेबल होगा, आपके लिए भी वही, किसी और के लिए भी होगा, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर, और वो भी इवन, तो चलते जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, ख़त्म ही नहीं होगा कभी। बट मेरे लिए भी वही रहेगा, आपके लिए भी वही, किसी और के लिए भी वही, तो सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। चैप्टर के अंदर क्वेश्चन तो काउंटेबल रहेंगे, मेरे लिए भी उतने ही रहेंगे, आपके लिए भी उतने, किसी और के लिए भी, तो सेट है। द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब आपके लिए डेंजरस की परिभाषा कुछ और हो सकती है, डेफिनेशन कुछ और हो सकते हैं, मेरे लिए कोई और हो सकते हैं। अब किसी को कॉकरेज से भी डर लग जाता है, किसी के लिए वही डेंजरस है। अब किसी को सांप से भी डर नहीं लग रहा, उससे भी खेल रहे हैं, तो हर किसी के लिए डेंजरस अलग अलग हो सकता है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो सेट नहीं है। क्लियर है पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 5 क्या A के अंदर आ रहा है, आ रहा है तो बिलोंग करेगा, नहीं आ रहा तो नहीं, आ रहा है तो बिलोंग्स टू। 8 आ रहा है, नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 आ रहा है, नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 आ रहा है तो बिलोंग्स टू। 2 आ रहा है तो बिलोंग्स टू। 10 नहीं आ रहा तो नॉट बिलोंग्स टू। ये तो सिंपल सा था, ये तो हमने पढ़ा हुआ था, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का सिंपल, तो क्लियर है सेकंड क्वेश्चन भी। थर्ड की तरफ, अच्छा अब बात है थर्ड। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ये आपको सेट बिल्डर में दे रखा है, रोस्टर में लिखना है, लिख देते भाई सर, पहले फर्स्ट वाले को लिखते हैं। बोल रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर है, और x की वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। -3 से बड़ा क्या, -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या 7 आएगा, नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू नहीं, उससे छोटा है। नेक्स्ट देखते हैं, बी नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, क्लियर। नेक्स्ट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर बताना जिनका सम क्या हो जाए 8, तो 17, 26, 35, 44 और कुछ 53, 62, 70। अच्छा क्लियर है, अच्छा 80 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि नेचुरल नंबर बोला है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, होल नंबर में आता, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा नेक्स्ट
x such that x is a prime number which is divisor of 60. Prime number कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, जो या तो खुद के टेबल में है या 1 के टेबल में. अच्छा, तो ऐसे प्राइम नंबर और वो 60 का डिविजर हो, 60 को डिवाइड भी करते, तो 2 कर देता है, 3 कर देता है, 5 कर देता है, तो बस और कोई तो कर नहीं पाता. 2, 3, 5 नेक्स्ट. अरे ये अभी मैंने जब पिछली एक्सरसाइज समझाई थी उसमें समझाया था, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, टी आर आई जी ओ एन, अब ओ दोबारा आएगा नहीं, एम ई टी दोबारा आएगा नहीं, आर दोबारा आएगा नहीं, वाई. क्लियर है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, सेम उसी की तरह, बी ई टी आर. क्लियर है? आगे बढ़ा जाए. ये तो हो गया कि सेट बिल्डर को रोस्टर में लिख दिया, अब रोस्टर को लिखना है सेट बिल्डर में. भाई देख लेते हैं फर्स्ट वाले, देखे तो क्या चल रहा है, 3 का मल्टीपल, तो लिख दिया से x such that x is n multiple of 3 less than 15. क्लियर है? दूसरा देखे. अच्छा दूसरे वाले को ध्यान से देखो बच्चे क्या चल रहा है, पहले 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32. यानी चल रहा है x such that x is 2 की पावर n, और n कहाँ तक है बच्चा, n 1 से बड़ा और उसके इक्वल है, और 5 से छोटा और उसके इक्वल है. क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो अब क्या चल रहा है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, तो इधर लिख दे x such that x is 5 की पावर n, एंड n जो है वो 1 से बड़ा इक्वल और 4 से छोटा इक्वल. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या चल रहा है, 2, 4, 6, यानी x such that x is a multiple of 2, 2 का मल्टीपल. ठीक है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट में अगर ध्यान देखो तो 1 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, ऐसे कहाँ तक जा रहा है, 10 की पावर 2 तक जा रहा है. यानी x such that x is n की पावर 2, यानी n स्क्वायर तक चलते जा रहा है, और n क्या है, n 1 से बड़ा और इक्वल और 10 से छोटा इक्वल है. क्लियर है सारे की दिक्कत? डन है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया. नेक्स्ट देखते, इन एलिमेंट्स को लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, x such that x is an integer, integer है जो कि -1/2 से बड़ा है और +9/2 से छोटा. तो -1/2 का मतलब क्या, -0.5, और 9/2 मतलब 4.5, तो -0.5 से बड़ा क्या होगा इंटीजर, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, क्योंकि 4 पॉइंट से छोटा 4 है, यही होते हैं इंटीजर. क्लियर? अब इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4. तो देखो इस लेस देन को भूल जाओ, इसे इक्वल्स टू मानो, तो स्क्वायर इधर हो के क्या आ जाता है बच्चा, अंडर द रूट, और दो वैल्यू आती है प्लस माइनस की, और ये किसकी है, रूट 4 प्लस माइनस 2, यानी x की वैल्यू -2 से इक्वल और बड़ी है और 2 से इक्वल और छोटी. तो क्या क्या आ जाएगा, -2, -1, 0, 1 और 2. क्लियर है? x is that x is a letter in word loyal, तो l o y a, l दोबारा आएगा नहीं क्योंकि एक बार आ चुका, ये तो समझा है. मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो देखो सबसे पहला फेब, फिर मार्च में होते, जैन में 31, फेब, फिर मार्च में 31, फिर अप्रैल, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, फिर 31 जून,
जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर, अक्टूबर छोड़ दो फिर नवंबर, तो ये मंथ होते हैं। X is that X is a consonant in the English alphabet which proceeds के, proceeds मतलब पहले, succeed मतलब आगे, तो proceeds पहले, तो B, C, D, F, G, H, I तो नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहे मैच द फॉलोइंग, एक रोस्टर में लिखा, एक सेट बिल्डर में, तो 1, 2, 3, 6 डिविजर ऑफ 60 होगा ये, इसको इससे मिला दो, फिर क्या आ रहा है, 2 और 3 प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। क्लियर? मैथमेटिक्स वाला, मैथमेटिक्स वाले से। अच्छा ये इधर आ गया है, ये 10 इधर लिखना है, तो 13579 ऑड नेचुरल नंबर लेस देन। क्लियर है? तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम 1.2 का इंट्रोडक्शन और फिर 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर?